हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। इसको बनाने के लिए हमें जितना हमें बेसन चाहिए उतना ही हमें देसी घी चाहिए और उतनी ही हमें बूरा चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, हमारा मन करे तो आप डाल सकते हैं और ना मन हो, अवेलेबल ना हो तो ना डालें, तब भी बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो घी लिया है और आधा किलो हमने बेसन लिया है और आधे किलो ही हमने बूरा लिए है। तो अब हम इसको बेसन घी को कढ़ाई में डालेंगे और पिघलने पर ही बेसन डालेंगे। पहले हम घी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और हम घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी हम ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा शुरुआत में डाल दिया हमने और अब हम इसे पिघलने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा, सही से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये पिघल चुका है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे घी के अंदर। इसको भूनते जाएंगे धीरे धीरे, जिससे कि नीचे लगे नहीं। करछी से धीरे धीरे चलाएंगे और भूनते जाएंगे अच्छे से इसको, जिससे कि इसकी वो ना वो इसको खोलते हुए भूनना है। और थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे, बीच बीच में ऐड करते जाएंगे, जिस जैसे कि हमें ज़रूरत महसूस होगी थोड़ा थोड़ा। अब हमें लग रहा है भी हमारा सूखा है बेसन, तो हम और घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें अच्छे से इसको भूनना है चला चला कर, नीचे लगना नहीं चाहिए हमारा बेसन, इस तरह से हमने भूनते जाना है। और अभी हमें कम लग रहा है तो हम और घी डाल के इसको और भून रहे हैं और इसको हमने इस तरह से भूनना है कि हमारा मॉइस्चराइजर सा हो जाए थोड़ा, क्योंकि हम बूरा मिक्स करेंगे तो वो भी हमारी सोक करेगी बेसन के साथ। तो हमें थोड़ा मॉइस्चराइजर लास्ट में इतना घी डाल के रखना है कि थोड़ा ढीला ही हमारा बेसन रहे। ये हमारा भुनता जा रहा है बेसन, बहुत अच्छे से भुन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, अच्छे से चला के। अब हम ये भुन चुका है तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा होएगा, फिर हम इसके में बूरा मिक्स करेंगे। अब हम इसे इस बर्तन में निकाल लेते हैं सारे बेसन को और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ही ठंडा करना है। जब थोड़ा ठंडा होएगा तो हम इसको बूरा मिला देंगे। बूरा ये हमने बूरा ले रखी है आधा किलो, आधा किलो से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही होगी। तो इसमें हमने ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे कट करके उसको घी में फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, और पहले ही बूरा में मिक्स कर दिया है, जिससे कि आसानी से बेसन के अंदर ऐड हो जाए। बूरा के साथ ही हमारी ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी। अब हम ये बूरा बेसन के अंदर डाल देते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं, बहुत अच्छे से मिलाना है हमने, जो कि बेसन के कण कण में बूरा का मिक्स हो जाए अच्छे से, चारों तरफ से करछी से अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। अभी मिक्स हो चुका है,
तो हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे जिस हिसाब से हमें चाहिए। बड़े पसंद हो तो हम बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा खाए नहीं जाते, मीठा ज़्यादा हो जाता है, तो हम छोटे छोटे ही बनाएंगे जिससे कि एक लड्डू आसानी से खाया जा सके। इसी तरह हमारे सारे लड्डू हमने तैयार करने हैं। हाथों की सहायता से, दोनों हाथों की सहायता से भी करने हैं। जैसे हमसे सही से बन पाए हम उसी तरह से बनाएंगे। धीरे धीरे बनाकर दूसरी प्लेट में हम रखते जाएंगे। ऐसे ही हम लड्डू बनाते जाएंगे। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो, वनस्पति घी हो, तो हम वो भी उसमें भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि देसी घी में ही बनेंगे। ये लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे स्वादिष्ट लड्डू बने हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं हमारे। फ्रेंड्स, अब बताएं आपको हमारे लड्डू कैसे लगे। अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।